भैया किस्मत पड़ी या हुनर। आज मैंने बहुत बढ़िया ये कोट पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था, हुनर तो रोड पे नाच रहा है और किस्मत महलों में आराम कर रही है। तो जो किस्मत का धनी, भाग्य का धनी व्यक्ति होता है, वो कम काम करके भी ज़्यादा चीज़ें पाता है, बजाय उसके जो बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ज़्यादा अपना ब्रेन ट्यून करके, स्किल्स डेवलप करके काम करता है, उसके लिए दिक्कत है। वो बेचारा नौकरी पेशा वही बन के रह गया है। नौकरी भी कर रहा है तो बड़ी अजीब सी कर रहा है कि बस भरण पोषण कर पा रहा है, कुछ नहीं काम कर पा रही, ना सेविंग बच रही है, नामचारे की सेविंग है। अब इसमें आता है यार, किस्मत जगाए कैसे। तो किस्मत जगाने के लिए यार, जो एक मोटा मोटा मेरे को समझ में आया है कि आप लोग क्या कर सकते हो एक्शंस में, जो डूएबल है। मैं ये नहीं कह रहा आप किसी साधना में बैठ जाओ ईश्वर के, वो अलग चीज़ है, पर एक आम जनमानस के लिए। अब उस साधना में भी हर कोई नहीं जाएगा ना, आप मुसलमान कहेंगे हम तो नहीं जाते साधना में, और नमाज पढ़ना अलग है, साधना अलग है। या कई लोग कहेंगे यार मैं भगवान को ही नहीं मानता, तो वहाँ पे इशू आ जाता है, पर किस्मत तो सो रही है क्योंकि मेहनत तो तुमने पूरी करी है। तो इसे जगा सकते हो, इसके जगाने के लिए क्या उपाय हैं उस पर आता हूँ, पर मैं पहले अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, तो शायद आपको इस चीज़ का जवाब मिल जाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। 3-4 महीने मेरे पे जॉब नहीं थी, कुछ मैं देख लिया था लगन पत्री से, मेरे को पता चल गया था मैंने जॉब जाने वाली है, गई। उसके बाद मेरे को लग रहा था ये 2-3 महीने लगेंगे, उतने लगे, 4 महीने लग गए, मिल गई। पर जब चौथा महीना आ गया ना बिना जॉब के, अब मैं सोचा मैं यार स्किल्स भी हैं, आती भी हैं चीज़ें, सारी चीज़ों में ठीक हूँ मैं, कोई ऐसी कमी भी नहीं है, लोग भी सपोर्ट कर रहे थे, पता नहीं किस किस बच्चे ने यार मेरा रेज्यूमे फॉरवर्ड करा। उसके बाद भी ना हो यार, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आके लकड़ी लग जाए बीच में, अब मैं गिर जाऊं। अब उसके बाद एक इंटरव्यू दिया मैंने टेक महिंद्रा का, विच वॉज लाइक, इंटरव्यूअर कह रहा है कि भाई तू 40वां बंदा है निकला। मैंने बोला ठीक है साहब मैं जाता हूँ, अब 40वां हूँ तो हूँ, बात करी इधर उधर के आ गया मैं। गुरुजी आए हुए थे मेरे, तो अब मैं गुरु बोल रहा हूँ तो हैं वो, फिर ऐसा मत समझ लेना, वो यूट्यूब फेसबुक या उनकी फ़ोटो शायद एक आधी है मेरे पास, वो फ़ोटो भी नहीं है, वरना उनकी कोई इंटरनेट पे तो मिलेगी नहीं या सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी। तो गुरुजी से मैं गया, मतलब इंटरव्यू दिया, फेल हुआ, अब काम करने को तो कुछ था नहीं, वो बाई चांस आए हुए थे, तो मैं उनके स्थान पर चला गया जहाँ वो रुके हुए थे, वो भी खाली थे, तो मैं भी खाली, मैं पहुँच गया, मैंने गुरुजी, अब उन्हें बता के गया था मैंने इंटरव्यू हो गया, अब तो मतलब कि इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद मैं आया दे के, तो उन्होंने बोला था दे के आओ, अच्छे से दे के आना। मैं आया, मैंने गुरुजी, तो कह रहे क्या हुआ, मैंने यहाँ, उसने मना कर दिया, उसने बोला 39 लोग पहले रिजेक्ट कर दिए, तू 40वां आया और तेरी स्किल्स नहीं है भाई, रिक्वायरमेंट जो है उससे अलग जा रहा है, और हमें और पॉलिश बंदा चाहिए था। मैंने, उसने क्वेश्चंस भी ऐसे ऐसे पूछे, रिजेक्ट हुआ मतलब मैं कुछ क्वेश्चंस में कंप्लीटली। तो उन्होंने बोला यार हो जाएगा, वो बड़ी कन्विक्शन से बोला उन्होंने, और 10 से 15 मिनट के बीच में यार कॉल आ गई फिर मेरे को कि L1 पास हो गया। फिर मेरे को पता चल गया अब L2 नहीं रुकने वाला, अब L2 तो मैं नहीं छोड़ने वाला, मतलब अब वो वाली बात आ गई थी। तो फिर मैं बोला, कह रहे यार मैं हूं तो फिर क्या दिक्कत है। तो वो हुआ क्या, क्या करा उन्होंने, क्या मंत्र पढ़े, वो अलग बात है। जिसने ये इस चीज की अनुभूति नहीं करी ना, वो शायद सोच रहा होगा मजाक कर रहा हूं, पर मैं इन लोगों के साथ रहता हूं, मुझे पता है, मैं देखी भाई चीजें, दे डू एग्जिस्ट, जितनी भी चीजें आपको मजाक लगती होंगी ना सारी एग्जिस्ट करती। अब हर कोई तो ये काम नहीं कर सकता, गुरुजी हर एक को नहीं मिल सकते, हकीकत बात है। लोगों ने फिर उन्हें ही गुरु बना लिया जो इस धरती को छोड़ के जा चुके, चाहे नीम करोली बाबा हो गए या फिर और लोग, उन लोगों को उन्होंने गुरु बना लिया, कोई रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग्स को फॉलो कर रहा है, कोई विवेकानंद को गुरु मान रहा है। अब इसमें फिर करें क्या,
हर कोई तो साधना में बैठ नहीं सकता, हर किसी को गुरु भी नहीं मिल सकते, बट इस भाग्य को जगाएं कैसे? इसके लिए ना अब सत्कर्म बोला जाता है, बोलने के लिए सत्कर्म कर दो तो कैसे करोगे? इसके लिए आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी, जितनी भी जीवात्माएं हैं ना उनको प्रसन्न करना पड़ेगा और मॉब को प्रसन्न करना पड़ेगा। माँ बाप हो गए, रिश्तेदार हो गए, पड़ोसी हो गए, आपके दोस्त हो गए, गुरुजन हो गए, इन सबको तो प्रसन्न आप कर लोगे क्योंकि ये आपके कनेक्शन में रहते हैं, बट एक मॉब मतलब हजारों लाखों की भीड़ को कैसे आप प्रसन्न करोगे? कुछ लोग इसमें चींटियों को भी दाना डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, कुछ मीठा डाल के आ जाते हैं, आटा जो भी, वो भी एक तरीका है क्योंकि उनमें भी एक एक में आत्मा है। कुछ लोग कुत्तों की सेवा करते हैं, कुछ गाय की, वो भी है, पर लोग कहते हैं यार अब ये तो काम होगा नहीं, कुछ और बताओ। तो यार इसके लिए ना आप मंदिरों के बाहर कभी शनिवार को छोले पूरी बटवा दिए, काले चने आते हैं वो बट जाते हैं, पूर्णिमा को खीर बटवा दी, कुछ चीज़ ऐसी दान कर दी, कोढ़ियों के आश्रम में दे आए, अनाथ आश्रम में दे आए, उनसे आपका डायरेक्ट कनेक्शन ना हो, उनकी हेल्प करने का है। और ये चीजें काम करती हैं, जैसे आप गुरुद्वारे में जाओगे ना वहां पे ये रहता है, उनका पर्पज वो नहीं है, उनका पर्पज वो है कि यार तू खा जा, सेवा ले ले हमारे से, तो वो सर्विस बोलते हैं, वो जो भी पुण्य कमा रहे हैं उनकी अल्टीमेटली गोल वही होता है कि एक प्रसन्न आत्मा भेजें, हम यहाँ अंदर आए, हमारे कर्म ऐसे हों वो प्रसन्न हो। प्रसन्न कैसे होगा? जब उसका पेट भरा होगा। भूखे आदमी को आप कैसे भी प्रसन्न नहीं कर सकते ना। गर्मियों में मैं आपकी बार देखा, बहुत लोग प्याऊ लगा रहे थे, लोगों ने छबील बोल देते हैं लगा के करवाया काम, वो करा करो। जब आप अपने सर्कल से बाहर के लोगों की हेल्प करोगे ना, और तुम्हें देखना भी नहीं है कौन, इसका एक बताता हूँ मैं, बहुत बड़े बड़े लाला मैं सर्दियों में देखता हूँ, बिना किसी कैमरे के, बिना किसी सेल्फी के जाते हैं, दे जस्ट हेल्प देम द नीडी पीपल और आ जाते हैं चुपचाप, रात को कंबल बांटते हैं उनको, खाना या जो भी उन्हें गर्म रखने के लिए कोई भी चीज़ होगी बेचारों को तो वो दे देते हैं, कंबल दे दिया, दरियाँ दे दी, तकिए कपड़े दे दिए, वो यार कभी कैमरा लेके नहीं जाते। मैं जो काम करता हूँ मैं कभी उसको ना, मेरे को लगता है यार वो कैमरे पे डाल दिया ना वो कहीं ना कहीं आ जाता है, यार मैं इसको सेल्फी बना लूँ, इसकी रील बना लूँ, नहीं यार वो पर्पस ही फिर ख़त्म हो गया, मेरा ध्यान ही उधर चला गया, तो यार वो किस चीज़ की सेवा रह गई। हाँ चलती हैं वो चीज़ें मेरे, शायद आज भी इसीलिए 100-200 व्यूज़ ही आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को उससे। हाँ पर उस टाइप के व्यूज लेके क्या करूंगा यार, जो मेरा, मैं कई बार कोशिश करी मैं मंदिर जाऊं, मैं यार 10-15 सेकंड की तो वीडियो बना लूं, वो मैं वहां जाके यार वहां खो जाता हूं। मैंने बोला भाड़ में गया, फोन अंदर रख यार, यहां पे फिलहाल फोकस, हाँ भगवान के दर्शन मिलेंगे और वो कुछ सेकंड के ही होंगे, उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हो रहा हूं। और देखता हूं हालांकि भूल जाता हूं, तो याद करना बड़ा मुश्किल होता है वो भगवान की मूर्ति का चेहरा भी। कोशिश करना आप कभी देख के आओ, और वो होता है, वो मैं 3-4 सेकंड भी देखा बड़ी बड़ी मूर्तियों को, नहीं रुकती यार वो, कई मिनट भी देखा नहीं रुकती वो, अपनी छवि अपने साथ ही वहीं पे ही रह जाती है, मंदिर में ही या जो भी तीर्थ स्थली होती है। सेवा भाव करो यार, और इसमें सिर्फ मनुष्यों को नहीं, जानवरों की भी करो, पेड़ पौधे प्रकृति की करो। हर कोई ना इसमें आजकल एक मतलब, फायदा, छवि, ये सब चीजें ढूंढ रहा है। आदमी प्रकृति के साथ मिलके चलने के लिए बना है ना, तो उसमें उसको कुछ सेवक मिल गए, घोड़ा, कुत्ता, गाय, भैंस, ये सारे उसके सेवक मिल गए उसको, कुछ चीजें उसे प्रकृति से, वनस्पतियों में मिल गई है, वो उनकी उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे। कि पेड़ भी लगा रहे हो तो कुछ बेमतलब के पेड़ लगा दो। आदमी आजकल मैं देख रहा पेड़ भी लगा रहा तो वो क्या यार ये फल क्या देगा, लगा दो लिप्टिस का पेड़ लगा दो, किसी काम का नहीं है मुंह। नीम का पेड़ भी लोग कहते हैं दातून कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, वो नहीं।
कड़ी पत्ते का लगा लेते हैं, और ठीक है वो कम से कम उस बहाने ही कुछ कर रहे हो, थोड़ा बहुत फायदा रहता है उसमें, ऐसी कोई बात नहीं, बट मेरी छवि अच्छी हो जाएगी, लोग मेरी पूजा करेंगे, जहाँ जाऊँगा मैं लोग नतमस्तक हो जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें करनी थोड़ी सी अवॉइड करो कुछ टाइम के लिए। ये उन्हीं के लिए जिनकी किस्मत भाई सो रही है, जिनकी जाग रही है यार, वो तो कुछ भी अंट शंट काम कर रहे हैं ना, वो तो कह देते हैं भाई कुछ नहीं होता, उनके लिए तो सब चीज़ें मजाक हैं। और ठीक है भाई, चढ़ते सूरज को सलाम, पर ये सूरज जब डूबता है फिर भाई नहीं, कोई नहीं उठा पाता, कोई गुरु मदद नहीं कर पाता। तो अगर आपका सही समय चल रहा है तो मदद कर दो, खराब चल रहा है तो प्रार्थना कर लो, इसमें है भाई ताकत है। अगर मेरे को जो जानते हैं, मेरे को जो पर्सनली जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं यार मैं ये बातें इसलिए नहीं करता, लोग ना बेवकूफ़ बोल देते, पर मुझे पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर मेरे को कुछ इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती, मेरा बिलीफ अलग ही चलता है भाई। नौकरी नहीं थी 4 महीने, मैंने भाड़ में जाए यार, 4 साल नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, ईश्वर पर भरोसा रखा। गुरुजी तो मैं 4 महीने बाद गया, शायद मतलब ये पहले दिन ही चला जाता हो तब भी हो जाता काम, नहीं मैं बोला यार कुछ टाइम तो अपनी अपना गेम खुद ही खेलो ना, नौकरी भी गुरुओं से करवाएंगे क्या। बट वो जब ज़्यादा ही हाथ से बाहर होने लगी चीज़ें, तो उन्होंने मदद करी और काम करी हर चीज़ें। आप मिला करो ऐसे लोगों से, थोड़ा आसपास मंदिर जाओ या जो भी मस्जिद गिर जाए, ज़्यादा टाइम नहीं देना भाई, पर जाके वहाँ पे मेडिटेशन करो, थोड़ा सा ध्यान करो, नहीं कर पा रहे हो तो यही परमार्थ का रास्ता है, एक दूसरे की सेवा ही करके काम निकल जाते हैं। कभी किसी को देख लिया हाँ ज़रूरत में है, स्पेशली बीमारी की है, फिर लग जाओ उसके पीछे, नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। परिवारजनों में जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है उसकी हेल्प करो, अगर कजन्स हैं आपके, बुआ के चाचा के बच्चे हो गए, मामा के हो गए, उनकी मदद कर दिया करो, जहां आपको लगे हाँ इसकी अब करनी ही है मदद। तो क्योंकि आप डिसेंडेंट एक के ही हो, तो अल्टीमेटली कहीं से भी आप हेल्प कर रहे हो तो वो घूम फिर के आप अपनी ही हेल्प कर रहे हो। और यार भिकमंगे रिश्तेदार और भिकमंगे पड़ोसी होगा क्या करोगे यार, अब बढ़िया पड़ोसी बढ़िया रिश्तेदार रखो, है ना, भले ही हम उनसे कम पैसे वाले हों पर हों तो यार पैसे वाले। मेरे आसपास के रिश्तेदार मेरे से रिच हैं और मैं उनसे कम हूँ, मैं ठीक हूँ, पर मैं उनकी ज़्यादा सोसाइटी में रहना पसंद करूँगा और अपने आप को गरीब फील करना पसंद करूँगा, वो ज़्यादा बेटर है, बजाय इसके तुम उन गरीबों में तुम अमीर बन जाओ, वो सारे फिर आपको बददुआएं देते रहेंगे, या मतलब दुआ भी देंगे तो ढंग से नहीं देंगे यार, आशीर्वाद में भी उनके कहें यार ये आगे बढ़ रहा है बच्चे पीछे रह गए, कोई बात नहीं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप अगर ये बताना यार तुम्हारे अगर अपने एक्सपीरियंस रहे हैं, तो मेरा तो यार एक्सपीरियंस ऐसा रहा, इन चीज़ों को देखो, अगर आपको लग रहा है कि यार 2 साल हो गए नौकरी नहीं मिल रही, 1 साल हो गया नौकरी नहीं मिल रही, करके देख लो, क्या पता काम हो जाए यार, 14 मिनट हो गए, बाय।